स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इस टाइम सुबह के 5 बज रहे हैं और 6 मिनट हुए हैं, और मैं इस टाइम स्टेशन पे क्या कर रहा हूँ, वो भी लुधियाना स्टेशन पे। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि आज की वीडियो में कुछ नया कंटेंट दिखाया जाए आपको। तो मैं आज आपको कुछ इम्पॉर्टेंट या कुछ अच्छी अच्छी ट्रेन्स या जितनी भी ट्रेन्स जो सुबह, अब मैं उठाऊँ 5 बजे, तो 5 बजे से लेकर 12 बजे तक जितनी भी ट्रेन चलती हैं आज के दिन, उन सभी ट्रेन्स को, जो खास करके रन्स डेली पे चलती, मतलब जो डेली बेसिस पे चलती हैं वो, और जो कुछ सिंपल जो चलती हैं आज के दिन पे, तो उन ट्रेन्स को मैं रिकॉर्ड करूं और आप सबके सामने लेके आऊं। तो आज जो दिन है वो है थर्सडे। तो इस टाइम सुबह के 5:06 हो रहे हैं, और सामने जो आप लोग ट्रेन देख सकते हो वो मेरे सिनेरियो की सबसे कॉमन ट्रेन है। जो लोग मेरे वीडियोस, मेरे सिनेरियोस को जानते हैं, जिन लोगों ने खेले हैं, उनको पता होगा मेरे सिनेरियो की कौन सी ट्रेन सबसे कॉमन है। मैं अभी नाम जो है वो आपको दिखाऊंगा, तो आपको पता चल ही जाएगा, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। वैसे मैं आपको बता ही दूंगा। तो इस टाइम टाइम हो रहा है 22462, वैष्णो देवी कटरा से चलकर न्यू दिल्ली को जाने वाली श्री शक्ति एसी एक्सप्रेस का, और ये अराइव की है अभी काफ़ी अच्छी स्पीड में। भाई साहब बहुत तेज़ अराइव की है, बहुत ज़्यादा तेज़ अराइव की है। सिग्नल पास है, डेंजर ना कर जाना बेटा। करी भाई साहब, क्या बचाया है, मान गए भाई ड्राइवर को। ओ भाई 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 भाई, भाई। तो ये आप लोग देख सकते हो, श्री शक्ति एसी एक्सप्रेस जो है इस टाइम लुधियाना स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है। हमारी मॉर्निंग अराइवल की सबसे पहली ट्रेन है। तो अभी ये अपना ऑन बोर्ड जो है वो स्टार्ट कर चुकी है, और ये यहाँ पे 10 मिनट के लिए रुकेगी। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 8:05, तो ये 15 पे चलती है, और अभी इसके पास 7 मिनट और हैं। एक आधा मिनट लेट है, तो हो सकता है एक आधा मिनट लेट जाए भी, तो देखते हैं फिर इसके डिपार्चर में मिलते हैं। अगर बीच में कोई क्रॉसिंग होती है तो वो मैं आपको दिखा दूँ। देख सकते हो हमारी जो श्री शक्ति एसी एक्सप्रेस का मेन लाइन स्टार्टर है वो अभी स्टिल क्लियर नहीं हुआ है, तो अभी मतलब थोड़ा टाइम और लगेगा। वैसे 12 हो गए हैं, 3 मिनट रह गए हैं, और ठंड के कारण दरवाजे लोगों ने फटाफट बंद कर लिए हैं, सिर्फ डिपार्चर का वेट हो रहा है। हो सकता है कोई ट्रेन की क्रॉसिंग वगैरह कोई सीन हो, इसीलिए नहीं भेज रहे हैं, तो मैं एकदम इसके आगे नहीं आऊँगा। और जो चाचा जिसको लीड कर रहे हैं वो है लालागुड़ा शेड के वैप सेवन। वैप सेवन तो आपने देख लिया था, शेड नहीं बताई थी, शेड मैंने आपको अभी बता दी है। तो सामने से कोई ट्रेन चमकती हुई दिख रही है मुझे, ये कोई वैगनाइन लग रहा है, क्योंकि पीछे ट्रेन लाइट नहीं चल रही, इसका मतलब फ्रेट है, फ्रेट को लीड करता है वैगनाइन, तो ये वैगनाइन लग रहा है। इधर ही आ रही भाई, आ जा आ जा। अच्छा, तभी शायद इसको लाइन क्लियर नहीं मिली। ठीक है, कोई बात नहीं। सुबह सुबह पहली फ्रेट हमें दिखी, सही है, शायद इसीलिए सिग्नल क्लियर नहीं था। कोई बात नहीं, सुबह का टाइम है भाई, चलो अब ये निकल जाएगी, फिर उसके बाद हमारी श्री शक्ति एसी एक्सप्रेस भी निकलेगी। ठीक है ना, सही चल रहा है ना काम। हो सकता है रुक भी जाए, हो सकता है चली भी जाए। वैसे इतनी सुबह मेरा कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि अभी कोई भी चाय वाला स्टेशन पे नहीं आया है, और मैं तो वेट कर रहा हूँ कोई चाय वाला आए तो मेरी बात बने, मुझे थोड़ी चैन आए।
तो भाई ऐसी वीडियोस बनाना कोई इजी बात नहीं है, क्योंकि मुझे कितनी तरह की एडिटिंग करनी पड़ेगी ये आपको बताना भी बहुत मुश्किल है भाई। बड़ी लंबी फ्रेट है, ओए होए। भाई कितना ऊंचा होना है ना इसका, जो यहाँ तक आवाज दे रहा, वो आगे पहुंच गई है फिर भी सही है। अब थोड़ी थोड़ी स्पीड खींची लगती है, सही है, बिल्कुल बहुत सही जा रही है। जान दे जान दे, चल 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 चल, बाय 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 बाय, शाबाश शाबाश। चलो जी, फ्रेट तो फाइनली निकल गई, अब इसको भी सिग्नल मिल जाएगा। तो ये वैसे ही, चलो भाई हो गया इसका वेट, मिल जाएगा अब इसको भी सिग्नल, देखते हैं। चलो फिर मैं इसके सिग्नल का वेट करता हूँ, ठीक है। तो 15 हो गए हैं और सामने जो लाइट है वो ग्रीन हो चुकी है और हॉर्न भी बजा दिया है फाइनली ड्राइवर ने। बस अब हो गए इनके जाने का टाइम, बड़ा लंबा हॉर्न है, एक पे ही निकलेगा मुझे लगता है। चलो जी, फाइनली हमारी मॉर्निंग अराइवल्स की पहली ट्रेन अपने निर्धारित समय से 1 मिनट की देरी से, क्योंकि अराइव भी 1 मिनट लेट की थी और डिपार्चर भी 1 मिनट लेट कर रही है, लेकिन चली गई। 22462 श्री शक्ति एसी एक्सप्रेस फाइनली लुधियाना के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डिपार्चर ले चुकी है। तो इसमें बैठे सभी यात्रियों को एक सुरक्षित जर्नी की हम लोग संभावना करते हैं। सही है भाई, क्या प्यारा डिपार्चर लिया और क्या प्यारा हॉर्न दिया इसने, मस्त मज़ा। दुरंतो की पेंट्री कार लगी हुई है इसमें। अब नेक्स्ट ट्रेन का जो अराइवल अकॉर्डिंग टू थर्सडे के हिसाब से वो बनता है 12716 सचखंड एक्सप्रेस, जो कि लुधियाना पे आएगी 6:30 पे, यानी कि ठीक 1 घंटे 15 मिनट बाद। चलो ये भी ठीक, अब 1 घंटा 15 मिनट बाद आपको मिलेंगे दोबारा, तब तक देखते हैं क्या क्या चेंज हो। ठीक है, सही है ना बाबू, ये भी ठीक। खत्म भी हो, ये देखो रियल श्री शक्ति एसी एक्सप्रेस का वेब 4 के साथ आई है हावड़ा मेल, गाजियाबाद सेट का वेब 4 लगा हुआ है, सही है। ये देखो क्या सही है रहेगा, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अराइव किया है और कुल टाइम देखे तो अगर टाइम हो गया 38 हो गए, 3 मिनट डिले के साथ अराइव किए यहाँ पे, ये सही है। मस्त है एकदम। तो आप लोग बताना ज़रूर ये वीडियो और ये आइडिया आपको कैसा लगा कुछ ट्रेन्स को कैप्चर करने का। अब मॉर्निंग अराइवल्स है तो 12 बजे तक तो जितनी ट्रेन्स हैं वो सारी की सारी करेंगे ही। अब नेक्स्ट जो ट्रेन आएगी वो होगी बेगमपुरा एक्सप्रेस, जो कि इसके जाने के कुछ देर बाद ही आ जाएगी। चलो जी, अभी अपना करे जो भी इसने टाइम वाइम अपना करना है, ठीक है ना। तो फिर मैं मिलता हूँ इसके डिपार्चर पे या बीच में अगर कोई ट्रेन क्रॉस करती है तो, ठीक है। गाइस साइड ट्रैक पे आप लोग देख सकते हो, जस्ट अभी ये सिग्नल क्लियर हुआ है।
उसके जाने का तो अभी कोई नहीं हुआ है, ना कोई हॉर्न बजाया ना कुछ। टाइम लगेगा अभी उसको, वरना भाग के फटाफट वहीं तक चले जाते हैं ना अभी, है ना। ये तो अपना क्रॉस कर रही है, इसको करने देते हैं। तो ये हो गई 4 ट्रेनें हो गई इस टाइम टोटल, है ना, 2 फ्रेट 2 एक्सप्रेस। अभी तीसरी एक्सप्रेस का भी टाइम हो गया, बट कोई संकेत नहीं है अभी उसके अराइवल का। कुछ देखते हैं, अभी चेक करते हैं कहीं डिले विले ना हो कुछ। वो भाई बहुत डिले रहती है वो भी, और क्या भाई, बड़ी लंबी फ्रेट थी यार ये भी, है ना। चलो देखते हैं, मैं मिलता हूँ फिर अब इसके डिपार्चर पे, आपने फ्रेट देख ली ना। दोस्तों हावड़ा मेल का भी सिग्नल क्लियर हो गया, लूप लाइन स्टार्टर हावड़ा मेल को क्लियर मिल गया और हावड़ा मेल ने फाइनली हॉर्न दे दिया है। तो देखते हैं अपने निर्धारित समय से कितनी लेट जा रही है। तो 3 मिनट लेट आई थी और 5 मिनट लेट जा रही है, एक हॉर्न दे दिया बहुत लंबे वाला और इसी हॉर्न पे ये डिपार्ट करेगी। अभी तक मैंने चेक किया है वैसे वो ट्रेन फिलहाल तो अभी ढंडारी कला क्रॉस नहीं की है, बेगमपुर एक्सप्रेस। जैसे ही उसका कुछ अपडेट मिलता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं अंदर से पूछ के या किसी भी तरीके से आपको बताता हूँ। देख सकते हो हावड़ा मेल फाइनली डिपार्ट कर चुकी है, तो अब आप देखो इसका डिपार्चर और फिर उसके बाद मिलते हैं। चाय पी गया है और अभी टाइम देखते हैं टाइम क्या हो रहा है। तो टाइम हो गया है 6:30 और सामने को ट्रेन आके धनबाद फिरोजपुर, अरे गंगा सतलुज आ गई भाई पूरे 30 पे, पर ये 30 पे तो आई लगती नहीं है। लो जी बिफोर ही आ गई, अराइविंग ही नहीं कैप्चर हो पाई। चलो कोई बात नहीं, हो जाता भाई, मैं अब चाय पीने भी गया था और मैं हल्का होने भी गया था, सुबह सुबह का टाइम है भाई। तो क्या इनको लीड कर रहे हैं देखे तो ज़रा, कैमरा जूम, LDH WDP 4D, यानी इनके खुद के पर्सनल भाई साहब। देखो भाई बताते भी नहीं है ये लोग कि आके खड़े हैं हम। तो ये तो अभी 10 मिनट बाद जाएगी, और पता नहीं 10 मिनट बाद जाएगी या पहले जाएगी, क्या है क्या नहीं देखना पड़ेगा इसका क्या टाइमिंग्स रहता है। चलो भाई 13307 का तो हम कैच पर ना ले सके भाई, 15 मिनट बाद जाएगी ये यहाँ से, अभी नहीं जाती। चलो कोई बात नहीं, तब तक देखते अगर और कोई चाचा आते हैं तो ठीक है, वरना फिर रहने देते, नहीं सही है ना।
सही कि नहीं? चलो फिर देखते हैं, वेट करते हैं, फिर और क्या कर सकते हैं हम लोग। क्यों है बोला क्या? चलो BCNA फ्रेट, फिर उसके बाद हमने देखी, उसके बाद हमने क्या देखा भाई? उसके बाद हमने देखा 13005 हावड़ा मेल, उसके बाद हमने देखी BCNHL फ्रेट, फिर उसके बाद हमने देखी गंगा सतलुज, उसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं इंस्पेक्शन स्पेशल जो कि लुधियाना पे अराइव कर रही है। ठीक है भाई, ओके सब। देख सकते हो OHE टेस्ट करने के लिए मीमू के इंजन का इस्तेमाल किया। ये तो भाई मैंने अपनी तरह से एक वे बना रखी है, वैसे ऐसी होती नहीं है। अरे चाचा क्या ब्रेक है यार, WDP 4D रहेगा। लो जी इंस्पेक्ट हो जाती है भाई। फॉग देख रहे हो आप कितनी है, हावड़ा लेट आई है, वो टाइम पे आए, उसका जो सबसे लेट होती है वो टाइम पे है भाई। उसका मुझे अब तक नहीं यकीन हो रहा ढंग से कि वो टाइम पे आ गई। अमरपाली एक्सप्रेस के अराइवल का टाइम है 8:40, यानी कि आपको मिलेगी ये कब मिलेगी? ये आपको मिलेगी अंबाला पैसेंजर के बाद, ठीक है ना? अभी के लिए मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और देखा जूम, ब्रेक के बहुत गंदी लगाते हो तुम लोग। लो जी सचखंड एक्सप्रेस भी फाइनली अराइव कर चुकी है, गंगा सतलुज के चलने का कोई संकेत नहीं है। तो मैं अब मिलता हूँ, देखते हैं हम पहले कौन डिपार्ट करती है, वैसे तो पहले वही करेगी। ठीक है फिर मिलते हैं आपको डिपार्चर पे। दोस्तों फाइनली गंगा सतलुज एक्सप्रेस को सिग्नल मिल चुका है, आप लोग हॉर्न साउंड सुन सकते हैं। मैं पता है इतनी दूर से भाग के आया हूँ क्योंकि मैंने टाइम देखा तो जस्ट सिग्नल मिला ही है अभी। और गंगा सतलुज टाइम पे आई और टाइम पे निकल ली, मैंने आज तक ये कभी नहीं देखा गंगा सतलुज के साथ। बाकी ट्रेन्स तो चलो, तो गंगा सतलुज तो ड्राइव भी की है, जर्नी भी की है, बहुत सही, वेरी गुड गंगा सतलुज, बहुत अच्छे। तो गाइज इसके बाद जो लुधियाना से अम्बाला जाने वाली ट्रेन है उनमें आती है 12014 शताब्दी एक्सप्रेस जो कि 6:57 पे, फिर 12358 दुर्गियाना एक्सप्रेस जो 8:03 पे, फिर 12460 न्यू दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस जो 8:35 पे, सॉरी वो 8:03 पे, वो 6:57 पे और एक 8:35 पे। लो जी गंगा सतलुज एक्सप्रेस का डिपार्चर एंजॉय करो। अराइवल तो हमारी किस्मत में था नहीं, तो मैंने कहा फटाफट डिपार्चर नहीं छोड़ना मुझे। बहुत ही प्यारा शानदार डिपार्चर लेते हुए गंगा सतलुज अपने सारे सिग्नल्स के साथ, मतलब सारे क्लियर सिग्नल के साथ, क्लियर समझते हो आप? के कारण लोग स्लीपर में सफर मतलब जर्नी करना पसंद नहीं करते।
ना अभी तक इंस्पेक्शन स्पेशल ही ली, और सचखंड का तो क्या ही बोले हैं भाई, सचखंड ने तो सारा मूड ख़राब कर दिया मेरा। तौबा तौबा तौबा, बहुत मनहूस लग रहे हो कसम से। आए बाय बाय, आओ जो फिर आना, टाइम पे पहुंच जाना फिरोजपुर, हगना मत पूरे रास्ते में, ठीक है? हाँ चलो चलो भाई, अब हम चलते हैं आगे फटाफट। इनके डिपार्चर का क्या सीन है जाके चेक करते हैं। बेटे लेट क्या है, हो गए बताया नहीं तुमने, तुम लेट हो गए यार, बता देते तो हमें पता रहता है ना। तो चलो अब करते हैं इनके डिपार्चर का इंतज़ार, फिर मिलते हैं आपसे भाई। दोस्तों मुगल सराय 12716 सचखंड एक्सप्रेस चिचा को भी सिग्नल मिल चुका है, और इनकी डंडी गिर गई है भाई, मतलब इंडिकेटर लाइन ऑन है। तो देखते हैं हम इनका डिपार्चर। तो इनकी तरफ से ये पहला हॉर्न, दूसरा हॉर्न, लो जी डिपार्चर 12716 सचखंड एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से कितने मिनट की देरी से, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 12-13 मिनट, नहीं 12-13 कैसे हुए भाई, 40 का था डिपार्चर है ना, हाँ 12 मिनट की भाई, 12 मिनट की देरी से। चलो चलो जल्दी, शाबाश, जोर लगाओ जोर। बेगमपुरा का अभी तक कोई अपडेट नहीं आया भाई, आएगा बेगमपुरा का भी अपडेट। जब आएगा तब आपको पता चल जाएगी। हम सफर के भी रेक्स उसमें लगे हैं जो थर्ड एसी के हैं, मतलब लिवरी इन्होंने हम सफर की यूज़ किया। ऐसा ही करते हैं भाई, कुछ भी कर देते हैं लोग, बड़े लोग। भाई वो देखो ट्रैक पर ट्रैक चेंज हो रहे हैं, सही है। क्या अराइवल किया भाई, स्पीडी अराइवल, शताब्दी है, थोड़ी सी डिले भी है। लोको पायलट बोलते हैं स्टेशन का क्या रूल, रूल सब गए भाड़ में, सही है ना। क्या रोक किया भाई, लो जी फाइनली शताब्दी भी आ चुकी है, दरवाजे इनके
दाई बाई कौन सी होती है? लेफ्ट साइड सही होता है, मुझे पता है। दोस्तों करीब 4 से 5 मिनट की देरी के बाद इसको सिग्नल मिला है और फाइनली ये डिपार्ट कर चुकी है। यात्रा कंटिन्यू करो। मैंने पहले ही बोला था टाइम पे नहीं मिलेगा, ओवररन किया और वैसे भी कुछ सेकंड्स की देरी से आई थी ये। चलो कोई बात नहीं, तक हमने टोटल 8 ट्रेन को कैप्चर कर लिया है हमने इस कैमरा में। अब एडिटिंग के टाइम पे जान निकलेगी क्योंकि सब एडिटिंग अलग अलग है। जब ट्रेन का अराइवल शुरू होता है तब मैं रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस। वेट, दुर्गियाना एक्सप्रेस जो कि लुधियाना से अम्बाला की तरफ जानी है। लो जी क्या बात, क्या मस्त अराइवल हुआ है। सही है भाई, हाइब्रिड लिवरी कोचेस यूज़ किए गए हैं और पीछे दुरंतो भी देखने को मिल रहे हैं। दुरंतो पेंट्री है और दुरंतो थर्ड एसी है। ठीक है ठीक है भाई, ठीक है ओके। काफ़ी अच्छा ये वाला अराइवल मुझे अब तक का सबसे बेस्ट अराइवल लगा, जो एकदम एक्यूरेट स्पीड पे हुआ है और एकदम मस्त वाला हुआ है। मज़ा आ गया ये वाला अराइवल देख के। आपको कैसा लगा बताना और आपका फेवरेट अराइवल कौन सा था ये भी बताना। देखो क्या ब्रेकिंग है, सही है ना, ये ड्राइवर पक्का एक्सपीरियंस्ड लग रहे हैं। देखो भाई देखो, पूरी ट्रेन अंदर एंटर करवाई और साथ ही में ब्रेक लगा दी, सही है ना। देखो भाई अभी चेक करते हैं सिग्नल के अंदर आ गई या नहीं है। अगर तो सिग्नल के अंदर आ गई तो बहुत बढ़िया भाई साहब, क्या टच करवाई है। थोड़ा सा बफर मारा, अगर ईओ जी ए वाली में बफर ना ना हो तो मस्त हो जाए एकदम। लो जी 12331 हिमगिरी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अराइव कर चुकी है। तो अब वेट करते हैं इसके डिपार्चर का, अगर बीच में कोई ट्रेन का सीन बनता है तो ज़रूर बताते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम 10-15 मिनट बाद जब भी डिपार्चर का सिग्नल मिलेगा। ठीक है जी, बाय बाय। दोस्तों ये देख सकते हो आप लखनऊ शेड का प्रबल WDM 3D 12331 हिमगिरी एक्सप्रेस को लीड करके लाया है। और सामने अगर जूम करके देखें तो एक BTPN फ्रेट WDG 4D के साथ अपना ट्रैक चेंज करके यार्ड की तरफ जा रही है या किसी समथिंग प्लेटफॉर्म की तरफ जा रही है, कुछ तो सीन है तो वो भी पता चल जाएगा ये कहाँ को जा रही है। तो इसके अराइवल तक इन चीचा को सिग्नल मिलना नामुमकिन है। सिग्नल आप देख सकते हो, सिग्नल एस्पेक्ट रेड है और BTPN शताब्दी आके चली गई है। मैडम तुम शताब्दी की अनाउंसमेंट कर रही हो, बिल्कुल ये बेगमपुरा की अनाउंसमेंट हुई थी शायद से। ओ भाई कितनी दूर यार्ड पे आई है यार, ये तो शुक्र है कि कैमरा अपना उतना बढ़िया क्वालिटी का है कि जूम कर लेता भाई, पर इतनी दूर ये क्यों आई। ओ भाई क्या व्यू आ रहा भाई, नहीं BTPN फ्रेट है, पेट्रोल वैगन्स होंगे शायद, लेकिन लंबी बहुत है भाई, मज़ा आ गया। आई होगी किसी काम की वजह से, हमें क्या लेने।
गाइस, लास्ट बीटीपीएन का कैबूज हमें दिख गया, तो अब शायद इनको, पर अभी तो कैसे ही सिग्नल मिलेगा, 10 मिनट बाद मिलेगा, ठीक है ना। गाइस, मैंने सोचा यहाँ से आपको दिखा दें, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है 4055 LDHWDG4D जो BTPN को लेके आया है, अब इसने फिर से हॉर्न दिया है और शायद अब ये BTPN जा रही है। नहीं भाई, BTPN नहीं जा रही, WDP4D अपनी ड्यूटी ख़त्म करने जा रहा है, और जैसा कि ये निकल रहा है और बस निकल ही रहा है, तो देखते हैं अब कोई नया लोकोमोटिव आता है या फिर क्या होता है। ठीक है, चेक करते हैं, फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ। अभी आप इसको जाते हुए देख लो। देखो भाई, कितना अल्ट्रा प्रो लेवल का व्यू दे रहे हैं और साथ में कमेंट्री दे रहे हैं भाई। लाइक कर दो, लाइक सब्सक्राइब भी कर दो, कर दो कर दो फटाफट। लो जी, WDP4D को बाय बाय बोलो। जा रहा है वो, जा रहा है। ठीक है, मैं बताऊं आपको तो ये अपने निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी से चली है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आके नोटिस किया था, तो लोको पायलट्स लोकोमोटिव को शायद कुछ चेक वेक कर रहे थे, कोई सीन हो गया होगा ज़रूर जिसको वो लोग देख रहे थे। तो फाइनली अब डिपार्चर ली है हमारी हिमगिरी एक्सप्रेस और जा रही है। बाय बाय, हैप्पी जर्नी। चलो भाई, आगे आगे कैप्चर करो, भागो भागो भागो। यहाँ से कैच पर करने का मज़ा ही अलग है, और मेरे कैमरा की बैटरी भी जवाब दे रही है, तो मेरे को पहले कैमरा की बैटरी चेंज करके आनी पड़ेगी। इसका डिपार्चर और इसका अराइवल सबसे बेस्ट हुआ है अब तक का, क्योंकि FPS भी नहीं ड्रॉप किया वैसे तो किसी भी अराइवल में नहीं किया, बट फिर भी, और साउंड भी मस्त दे के जा रहा है। देखो भाई, क्या प्रो लेवल डिपार्चर हुआ है, प्रो लेवल। तो भाई ठीक है, अब आपको मिलते हैं दुर्गियाना एक्सप्रेस के अराइवल पे। ठीक है, देखते हैं वो आती है या वो भी लेट। ठीक है कि नहीं, सही है ना? तो ठीक है, मिलते हैं फिर, आओ जो। चलो जी, फाइनली चली गई। ठीक है।